नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कांवड़ यात्रा के मार्गों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने दशाश्वमेध घाट पर साफ सफाई के साथ प्रकाश की व्यवस्था की जानकारी ली और नगर निगम को एक जनरेटर रखने के निर्देश भी दिए हैं। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के संयोजक भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसान सम्मान रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन SDM को सौंपा। किसान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन बर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन बर्मा का संघर्ष जारी रहेगा। आज की जो रैली है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की, हमारी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा जहां अलग राज्य की लड़ाई लड़ रही है, वहीं हम लोग पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से अन्नदाता किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश का अन्नदाता किसान काफ़ी कष्ट में है। देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इस देश का अन्नदाता किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अभिलेखागार में अभिलेखों को मिटाकर नाम बदलने और पन्ने गायब करने के मामले में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने कोतवाली में तहरीर देकर 6 लोगों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं मामले में आदेश के बाद भी दोषियों पर मुकदमा दर्ज न कराने और फर्जीवाड़ों में संलिप्त प्रतीत होने पर अभिलेखपाल रुकैया बेगम के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया गया है। साथ ही अभिलेखपाल राजस्व को भी अभिलेखागार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेखागार में प्यारेपुर गांव के कुछ विकास में पिछले विगत एक वर्षों में उनको छेड़छाड़ किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर EDM FR के द्वारा जांच की गई थी, तदुपरांत कमेटी बना करके इसकी जांच की गई और यह पाया गया कि 3 गांव के साथ साथ में अन्य गांव में भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से रिकार्डों में छेड़छाड़ की गई है और उन रिकार्डों में छेड़छाड़ करने के उपरांत जो लाभार्थी हैं उनका भी इसमें दोषी बनाया गया है। साथ ही साथ जो ERK दे ही रहे हैं, साथ ही वहाँ पर जो चौथी श्रेणी में जो इंसान पत्रों को निकालते थे उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए जांच करनी है तो FIR दर्ज करें। खबर मुरादाबाद से है, जहां दीवार पेंटिंग करते हुए पानी की टंकी से एक युवक गिर गया। बता दें कि बंदरों ने युवक पर वॉल पेंटिंग करते समय हमला बोल दिया था, जिसके बाद जान बचाने के चक्कर में युवक पानी की टंकी से नीचे गिर गया। नीचे गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालात में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत वॉल पेंटिंग का काम युवक कर रहा था। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के नगर निगम और परिसर पानी की टंकी का है। खबर गोंडा से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी दारोगा मोहम्मद वसी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दारोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। SP प्रकाश तोमर के निर्देश पर दारोगा के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया था। दिनांक 12 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला द्वारा पुलिस लाइन में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर वसी अहमद के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इनके द्वारा जाति और नाम बदलकर शादी का झांसा देकर इनके साथ दुष्कर्म किया गया है
इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली नगर में प्रचलित है। खबर बस्ती से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी का लैपटॉप, LED TV, मोबाइल, 4,550 रुपये नकद और चोरी में इस्तेमाल स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पुलिस के लिए समस्याएं पैदा हुई, और ख़ास करके ऐसे मकानों में चोरियां शुरू हुई जिसमें ताले लगे हुए थे, और ये गैंग दिन में उसकी रेखी करता था और रात्रि में उन्हीं स्थानों पर जाके चोरी करता था। लगातार इधर गांधीनगर क्षेत्र में और सिविल लाइन्स रोहता में इस प्रकार की घटनाएं हुई। 3 दिन पहले इसी प्रकार की घटना सिविल लाइन्स थाना चौकी क्षेत्र में हुई थी, और जिसमें मकान मालिक का LED और उसका टैबलेट और कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी चोरी हुई थी। इसमें पुलिस ने सार्थक प्रयास करते हुए और जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, रोहित उपाध्याय और उनकी टीम ने, प्रभारी निरीक्षक ने, SSI ने और चौकी इंचार्ज ने, सभी ने मिल करके सर्विलांस टीम के माध्यम से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। बस्ती केहरैया थाना के बिलाड़े शुक्ल गांव के पास से पुलिस और SOG की टीम ने 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई बैंकों के 25 ATM कार्ड, 3 मोबाइल, 1 बाइक बरामद की गई है। ये गैंग लखनऊ, कानपुर समेत कई जनपदों में लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। सरोवर नगरी, नैनीताल और उसके आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते एक राज्य मार्ग गर्जिया बेतालघाट मार्ग, 2 ग्रामीण मार्ग फतेहपुर पीपल छना लामजाल मार्ग सहित जनपद नैनीताल में 3 मार्ग बाधित हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग गांधीनगर के पास बंद हो गया है। दरअसल सड़क का आधा भाग टूटने से बंद हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन आवागमन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।